केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमेठी दलित हत्याकांड पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेठी में एक दलित परिवार के चार लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे। अमेठी में दलित परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की है। बातचीत के दौरान राहुल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा राहुल ने हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया। वहीं सोनिया गांधी ने भी सांत्वना भेजी। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने पीड़ित पिता को राहुल गांधी से बातचीत कराई। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की ओर से शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने के लिए 2 साल से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। गत 2 महीने से अजय शर्मा शहर के 14 मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवा चुके थे। इन सबके बीच कमिश्नरेट के अलग अलग थानों की पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट मुखदर्शक बनी रही। महाकुंभ के दौरान रेलवे प्रशासन इस बार एक विशेष व्यवस्था करने जा रहा है। रोडवेज बसों की तर्ज पर ट्रेनों के अंदर ही चेकिंग स्टाफ यात्रियों को अनारक्षित टिकट उपलब्ध करा देगा। इसका फायदा यह रहेगा कि उन्हें स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। डिजिटल युग में बात अगर अपराध की करें तो इसने भी समय के साथ अपना रंग बदला है। सूचना के आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया मोबाइल अब अपराधियों का बड़ा हथियार बन गया है। ऐसे ही मामले में नोएडा की थाना सेक्टर 142 पुलिस ने जोया खान नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जो स्पूफिंग कॉल के जरिए फर्जी IAS, IPS और IFS अधिकारी बनकर लोगों और अधिकारियों पर अपना काम करने का दबाव बनाती थी और धमकाती थी। मेरठ में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मेरठ की PVVNL MD ईशा दुहन ने 1-2 नहीं बल्कि 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। ईशा दुहन के इस एक्शन से भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अफसरों की नींद उड़ गई। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन पर कांग्रेस ने पहले से ही प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में आ गई। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन सीटों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस बूथ स्तर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला, जब वो एक छोटे से बच्चे के साथ शतरंज खेलते हुए दिखाई दिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड खिलाड़ी गोरखपुर निवासी कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेलकर उत्साहवर्धन किया। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने प्रशासन और शासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम के आगमन के मद्देनजर बिजली विभाग ने कई गांव की बिजली ही काट दी। डिप्टी सीएम के आने के एक दिन पहले ही विभाग ने खंभों से बिजली के तार ही उतार लिए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति गुरुवार दोपहर से ही बंद है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं से शौचालय साफ कराया गया। स्कूल में ही मौजूद किसी शख्स ने बाद में वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। स्कूल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो का संज्ञान लेकर BSA ने इस मामले में प्रधानाध्यापक हैदर अली से सहायक अध्यापक जगदीश को निलंबित कर दिया है।